हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। ओके, तो आपको कुछ अब नए फॉर्मूले में देने जा रहा हूं जो आपको लर्न करने हैं। फर्स्ट फॉर्मूला लिखो बच्चों, 2 sin A cos B, 2 sin A cos B sin A plus B प्लस साइन ए माइनस बी। हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं फ्रॉम प्रोडक्ट टू सम एंड डिफरेंस। क्या कर रहे हैं? ट्रांसफॉर्म प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। समझ आया बच्चों? हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं प्रोडक्ट को किसमें? सम और डिफरेंस में। तो 2 sin A cos B sin A plus B plus sin A minus B, 2 cos A sin B sin A plus B minus sin A minus B, sin A plus B minus sin A minus B। थर्ड, 2 cos A cos B cos A plus B plus cos A minus B। ठीक है। एंड फोर्थ वन, 2 sin A sin B cos A minus B minus cos A plus B। ये चारों फॉर्मूले आप क्लियर हैं बच्चों? 2 sin A cos B sin A plus B plus sin A minus B, 2 cos A sin B sin A plus B minus sin A minus B, 2 cos A cos B cos of A plus B plus cos A minus B, 2 sin A sin B cos A minus B minus cos A plus B। स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, इस पे मैं सेशन कराऊंगा बच्चों। मैं आपको देखो क्वेश्चन, देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग। क्वेश्चन वन है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। क्या बोला बच्चों? कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इन टू सम और डिफरेंस ऑफ साइन एंड कॉस, ऑफ साइन एंड कॉस। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 sin 5 theta cos theta। क्या बोला बच्चों? 2 sin 5 theta cos theta। आपने फॉर्मूला लर्न किया है ना? फर्स्ट फॉर्मूला करो, 2 sin A cos B sin A plus B plus sin A minus B। बोलो मेरे साथ, 2 sin A cos B sin A plus B plus sin A minus B। तो क्या होगा बोलो? इसमें क्या होगा? sin A plus B plus sin A minus B। तो कितना होगा? sin 6 theta और ये sin 4 थीटा। ये आपका आंसर, sin 6 थीटा प्लस sin 4 थीटा। इसी में बच्चों सेकंड पार्ट है हमारे पास। देखो सेकंड पार्ट क्या है, 2 cos 4 थीटा cos 3 थीटा। ठीक है, फॉर्मूला क्या पढ़ो, 2 cos A cos B का लर्न करो, 2 cos A cos B cos A plus B plus cos A minus B। तो क्या होगा? cos A plus B plus cos A minus B। कितना होगा बच्चा? cos 7 theta plus cos theta। ये आपका फाइनल आंसर। इसी में बस बच्चों थर्ड पार्ट भी है। थर्ड पार्ट देखो, फॉर्मूले लाने चाहिए स्टूडेंट्स। जब तक फॉर्मूले ना नहीं होंगे नहीं हो पाएगा। पूरा यहां पर गेम ही फॉर्मूलों का है बच्चों।
टू साइन साइन बी फॉर्मूला याद है आपको, टू साइन साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, थ्री थीटा प्लस थीटा। तो बच्चों थ्री थीटा माइनस थीटा टू थीटा, और ये थ्री थीटा प्लस थीटा फोर थीटा, तो ये आंसर हो गया कॉस टू थीटा माइनस कॉस फोर थीटा। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स अपने आप बन जाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो तुम्हें फॉर्मूले लर्न करना है ना। टू साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, टू कॉस साइन बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, टू कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, टू साइन साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। आपको अगर कुछ करना है तो बस बार बार इसी बात पर ध्यान देना है कि फॉर्मूले जल्दी याद हो जाए। फॉर्मूले एक दिन में लर्न नहीं होंगे, मैं खुद ही बोल रहा हूँ, लर्न करोगे फिर भूल जाओगे, फिर याद करोगे फिर भूलोगे, ये चलता रहेगा, प्रोसेस यही है, भूलना फिर याद करना, फिर याद करना फिर भूलना, ये चलता रहेगा। बट तुम्हें लर्न करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, जब तक तुम्हें याद ना हो करते रहना है, आपस करते रहो, अपने आप याद हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट देखो बच्चों, स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट एलएचएस क्या बच्चों, टू कॉस पाई बाय 13 कॉस 9 पाई बाय 13 कॉस 3 पाई बाय 13 कॉस 5 पाई बाय 13। ओके देखो यहां देखो, टू कॉस 9 पावर 13 cos पावर 13 cos 3 पावर 13 प्लस cos 5 पावर 13। बच्चों 2 cos a cos b क्या होता है बोलो मेरे साथ, 2 cos a cos b फॉर्मूला याद है स्टूडेंट्स को, 2 cos a cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस बी। ओके टू कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, तो क्या होगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ओके कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी कॉस 3 पाई बाय 13 कॉस 5 पाई बाय 13 बच्चों cos 9 पाई प्लस 1 पाई 10 पाई बाय 13 9 माइनस 1 8 पाई बाय 13 cos 3 पाई बाय 13 cos 5 पाई बाय 13 ठीक है। इस 10 पाई बाय 13 को क्या लिखोगे, व्हाट इज दिस 10 पाई बाय 13 पाई माइनस 3 पाई बाय 13 ठीक है। अच्छा इसको क्या लिखोगे आप, 8 पाई बाय 13 को पाई माइनस 5 पाई बाय 13 कॉस 3 पाई बाय 13 कॉस 5 पाई बाय 13 ठीक है। पाई मींस 180 मींस 19 टू 2 2 मींस इवन मींस नो चेंज 3 पाई बाय 13 व्हिच क्वाड्रेंट 180 माइनस समथिंग सेकंड क्वाड्रेंट कॉस क्या होता है नेगेटिव माइनस का सेम 180 19 टू 2 2 मींस इवन मींस नो चेंज कॉस 5 पावर 13 180 माइनस समथिंग यू आर इन सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव माइनस का प्लस का कॉस 3 पावर 13 माइनस का कॉस 3 पावर 13 प्लस का कॉस 3 पावर 13 कैंसल आउट प्लस कॉस 5 पावर 13 माइनस का कॉस 5 पावर 13 कैंसल आउट रिजल्ट इज 0 व्हिच इज इक्वल्स टू आरएचएस। ओके क्लियर है बच्चों, नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, प्रूव दैट कॉस 20 कॉस 40 कॉस 60 कॉस 80 इक्वल टू 1/16 एलएचएस क्या बच्चों, कॉस 20 कॉस 40 cos 60 cos 80 cos 60 कितना होता है बच्चों, व्हाट इज cos 60 cos 60 इज हाफ
कॉस 20, कॉस 40, कॉस 80. क्लास 1/2 एज इट इज. नाउ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2. क्या बोला मैंने? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2. 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना. और कॉस 80 एज इट इज, कॉस 20 एज इट इज, कॉस 40 एज इट इज. ये जगह 1 into 1 1, 2 2 is 4, और ये 2 cos 80, cos 20, cos 40, 2 cos A cos B, 2 cos A cos B, cos A plus B, plus cos A minus B, okay बच्चा, cos A plus B, plus cos A minus B, clear है students को, यहां देखो, cos 100, cos 60, cos 40, cos 100, cos 60 के दोनों स्टूडेंट्स हाफ, cos 40. बच्चों 1/4 cos 100, cos 40, 1/8 cos 40. यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करो, इसके अंदर क्या करोगे, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, तो ये 1/8 हो जाएगा. 2 cos 100 cos 40 और ये 1/8 cos 40 as it is. बच्चों 2 cos A cos B बोलो, 2 cos A cos B कितना होता है? 2 cos A cos B cos A plus B प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है. और ये 1/8 कॉस 40, 1/8 100 प्लस 40 कॉस 140, कॉस 60, 1/8 कॉस 40, ठीक है. 1/8 कॉस 140, 1/8 कॉस 60, 1/8 कॉस 40. 1/8 व्हाट इज 140 बच्चों? क्या होता है 140? 180 माइनस 40, ठीक है. नाउ 180 मींस 90 इनटू 2, 2 मींस इवन, इवन मींस नो चेंज, कौन सा क्वाड्रेंट? 180 माइनस समथिंग सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट कॉस का होता है नेगेटिव, cos 60 कितना होता है हाफ, ये प्लस 1/8 cos 40, माइनस का 1/8 cos 40, प्लस का 1/16, प्लस का 1/8 cos 40, माइनस का 1/8 cos 40, प्लस का 1/8 cos 40, कैंसिल आउट, आंसर कितना आया 1/16 which is equals to RHS, 1/16 which is equals to RHS, आंसर क्या है स्टूडेंट्स? 1/16. ओके नेक्स्ट देखो बच्चों, यस sin 20, sin 40, sin 60, sin 80. स्टूडेंट sin 60 क्या होता है बोलो? sin 60 रूट 3/2, sin 80, sin 20, sin 40. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, रूट 3/4, 2 साइन 80, साइन 20 और ये साइन 40, रूट 3/4. क्लास 2 साइन ए साइन बी, क्या होता है फॉर्मूला बताओ? 2 साइन ए साइन बी कॉस a माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये फॉर्मूला आपको टिप्स पर होना चाहिए, ठीक है. क्या बोलोगा? कॉस a माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी साइन 40, रूट 3/4 कॉस 60, कॉस 100 साइन 40, ठीक है. रूट 3/4
कॉस 60 साइन 40 माइनस रूट 3/4 कॉस 100 साइन 40। ठीक है, क्लियर? रूट 3/4 और कॉस 60 कितना होता है 1/2 साइन 40 माइनस रूट 3/4, इसके अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करो बच्चा, तो ये 8 हो जाएगा, 2 साइन 40 कॉस 100। ओके, नाउ दिस विल बी रूट 3/8, रूट 3/8 साइन 40 माइनस रूट 3/8 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 साइन ए कॉस बी क्या हुआ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, रूट 3/8 साइन 40 रूट 3/8 साइन 140 प्लस साइन माइनस 60। ओके, रूट 3/8 साइन 40 माइनस रूट 3/8 साइन 140, नहीं पता ना 140 को मिल गई 180 माइनस 40 और साइन ऑफ माइनस थीटा, बच्चों साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, हाँ माइनस साइन 60। रूट 3/8 साइन 40 माइनस रूट 3/8 एंड दिस विल बी 180 मीन्स 90 इंटू 2, 2 मीन्स इवन, इवन मीन्स नो चेंज, साइन 40 ओनली विच क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है साइन 40, साइन 60 कितना होता है रूट 3/2। ठीक है, रूट 3/8 साइन 40 माइनस रूट 3/8 साइन 40 माइनस माइनस प्लस रूट 3 रूट 3 3 8 2 16, दिस फैक्टर्स कैंसल आउट, माइनस का रूट 3/8 साइन 40 प्लस का रूट 3/8 साइन 40 कैंसल आउट, आंसर 3/16 विच इज इक्वल्स टू आर एच एस, आंसर क्या आया 3/16 which is equals to RHS. Okay students, next देखो बच्चों, बच्चों look back 10 20 10 40 10 80 equal to 10 60 LHS देखो बच्चों 10 20 10 40 10 80 10 क्या होता है sin by cos, 10 क्या होता है sin cos, ये टाइम क्या होता है साइन कॉस। ठीक है, ध्यान देना साइन 80 को आगे लिखो साइन 20 और ये साइन 40, कॉस 80 कॉस 20 और ये कॉस 40, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करो बच्चों, 2 साइन 80 साइन 20 2 कॉस 80 कॉस 20 और ये साइन 40 और ये कॉस 40। ठीक है, देखना बच्चों 2 साइन ए साइन बी फॉर्मूला आपके पास है, मैं आपको 2 साइन ए साइन बी cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, याद है 2 sin sin b cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, बोलो cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी और ये sin 40, सेम 2 cos a cos b cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी और ये cos 40, cos 60 हो गई, cos 100 हो गया, sin 40, cos 100, cos 60 और ये cos 40, cos 60 को sin 40 से
cos 60 sin 40 minus cos 100 sin 40 cos 100 cos 40 cos 60 cos 40। ठीक है, cos 60 क्या होता है बच्चा? cos 60 को cos 60 से देते हैं, रुको wait a minute, इसे प्लान कर सकते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। ठीक है, 2 साइन 40 cos 60, 2 साइन 40 cos 100, सेम है, 2 cos 100 cos 40, 2 cos 60 cos 40, 2 sin cos b sin a plus b plus sin a minus b, ये फॉर्मूला याद है आपको, 2 sin cos b sin a plus b plus sin a minus b। अब ये क्या होगा, 2 sin cos b sin a plus b plus sin a minus b। ठीक है, 2 cos a cos b cos a plus b plus cos a minus b। ठीक है, और ये क्या हुआ, 2 cos a cos b cos a plus b plus cos a minus b। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? अब बहुत इजी हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, देखो बहुत इजी होगा, देखो कैसे होगा। साइन 40 प्लस 60 कितना होगा, साइन 100, साइन 100 प्लस साइन माइनस 20, साइन माइनस 20 माइनस साइन 140, ये जाएगा माइनस, तो चली जाए माइनस प्लस माइनस साइन माइनस 60। ठीक है, स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं हमारी टर्म्स बनी है साइन 100 साइन माइनस 20 साइन साइन 140 और साइन ऑफ माइनस 60, ये बहुत क्रिटिकल स्टेप बन गया बच्चों। इससे बेहतर तो ये होता हम साइन कॉस 60 की वैल्यू यहीं पे पुट कर देते, तो इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, बहुत इजीली आंसर आ जाएगा। देखो कि मैं क्या बोल रहा हूं, इस स्टेप पे वापस जाते हैं बच्चों। देखो दो स्टेप्स मैंने रख किए हैं यहां पर, जब हमने मल्टीप्लाई डिवाइड 2 किया था तो 2 मल्टीप्लाई हुआ, यहां पर भी सेम, यहां पर भी 2 मल्टीप्लाई हुआ, अगेन 2 मल्टीप्लाई देयर आल्सो एंड देयर आल्सो। ठीक, cos 60 कितना होता है बोलो बच्चों, जवाब दो मुझे, cos 60 हाफ, और यहां देखो 2 sin cos b sin a plus b, 2 sin cos b sin a plus b plus sin a माइनस बी। ठीक है, एंड हियर 2 cos a cos b 2 cos a cos b cos a plus b plus cos a माइनस बी। ठीक है, प्लस 2 cos 60 कितना होता है बच्चों बताओ, व्हाट इज cos 60 हाफ, cos 40 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, व्हाट लेफ्ट sin 40 ओनली, sin 40 माइनस sin 140, 100 प्लस 40 140 माइनस प्लस माइनस sin माइनस 60। नाउ cos 140 cos 60 प्लस cos 40। ठीक है बच्चों, ये बात सुनना, ये एज इट इज, व्हाट इज 140 स्टूडेंट्स, 180 माइनस 40, साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, आपने पढ़ा है ना, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, फिर माइनस बाहर आ जाएगा बन जाएगा प्लस साइन 60, सेम कॉस, व्हाट इज 140 क्या होता है बोलो,
140 होता है 180 माइनस 40, cos 60 एज इट इज, cos 40 एज इट इज, ठीक है, sin 40, 180, 90 into 2, 2 means even, even means no change, sin ही रहेगा, 180 minus something, second quadrant sin positive होता है, okay, 180, 90 into 2, 2 means even, even means no change, cos 40 ही रहेगा, second quadrant में cos negative होता है, minus का, और ये cos 60, plus का cos 40, माइनस कॉस 40 प्लस कॉस 40 कैंसिल, साइन 40 माइनस साइन 40 कैंसिल, साइन 60 ऊपर रह गया, कॉस 60 नीचे रह गया, साइन बाय कॉस टेन 60 विच इज इक्वल टू आर एच एस हैंस प्रूव। ओके स्टूडेंट्स, समझ आया आपको, क्लियर है? इसी क्वेश्चन को मैं आपको एक बार और क्लियर बताता हूं, ठीक है? देखो ऐसे तो बड़ा आंसर आया इसे, बट इसको मैं एक और तरह से करता हूं, मेरा करो उसको क्वेश्चन देखना। देखो स्टूडेंट्स, हम इसको ऐसे करते हैं, इस क्वेश्चन को वापस करते हैं, रिपीट करते हैं इसको, इस क्वेश्चन को वापस से रिपीट करते हैं। LHS 1020, 1040, 1080, ये क्वेश्चन है, 10 साइन बाय कॉस, 10 साइन बाय कॉस, 10 साइन बाय कॉस, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड टू, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय टू, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय टू, 2 sin 40, sin 20, sin 80, 2 cos 40, cos 20, cos 80, ठीक है? 2 sin A sin B, क्या होता है फॉर्मूला? 2 sin A sin B, 2 sin A sin B, cos A minus B, minus cos A plus B, ठीक है, 2 sin sin b cos a minus b, cos a minus b minus cos a plus b, ठीक है, और ये sin 80, 2 cos a cos b, cos a plus b plus cos a minus b, ठीक है, cos 80, हाँ, 40 minus 20, बोलो, cos 20 minus cos 60 and this will be sin 80, cos 60, cos 20, cos this will be 80, ठीक है, cos 20 multiply with sin 80, क्या हो जाएगा, cos 20 sin 80 minus cos 60 साइन 80, इसको से मल्टीप्लाई फिर इसको से मल्टीप्लाई, सिमिलरली इसको से मल्टीप्लाई फिर इसको से मल्टीप्लाई, कॉस 60, कॉस 80, कॉस 20, कॉस 80, ठीक है, ना देखो मल्टीप्लाई फिर से एंड डिवाइड बाय टू, मल्टीप्लाई डिवाइडेड टू, तो क्या हो जाएगा, 2 साइन 80 कॉस 20 माइनस 2 कॉस 60 साइन 80, 2 कॉस 60 कॉस 80 प्लस 2 कॉस 80 कॉस 20, ठीक है, 2 साइन ए कॉस बी, से फॉर्मूला का बच्चों, 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है, 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी मतलब 80 प्लस 20 100 प्लस साइन ए माइनस बी 80 माइनस 20 60, कॉस 60 कितना होता है हाफ, साइन 80, ओके,
कॉस 60 कितना होता है हाफ, और ये कॉस 80, टू कॉस से कॉस भी बच्चों, टू कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक, टू से टू कैंसिल, टू से टू कैंसिल, साइन 100, साइन 60 माइनस साइन 80, कॉस 80 कॉस 60 कॉस सॉरी 80 प्लस 20 100 होता है ना, 80 प्लस 20 100 और 80 माइनस 20 60। बच्चों इस 100 को लिखोगे क्या क्या होता है 100, 180 माइनस 80 और ये साइन 60 माइनस साइन 80, ठीक है, और cos 80 as it is और cos 100 को क्या लिखोगे, व्हाट इज 100, 180 माइनस 80 प्लस cos 60, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है बच्चों को, देखो इधर बच्चों, देखो स्टूडेंट्स 180 क्या होता है 19 इंटू 2, 2 मीन्स इवन मीन्स नो चेंज, साइन 80 आएगा, साइन 80 विच क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट साइन क्या होता है पॉजिटिव, ठीक है, प्लस साइन 60 माइनस साइन 80, कॉस 80 एज इट इज, कॉस 180 माइनस 80 मतलब 180 मीन्स 19 इंटू 2, 180 मीन्स 19 इंटू 2, 2 means even means no change, cos 80 आएगा बच्चों, लेकिन 180 minus something means second quadrant में cos क्या होता है negative, minus का cos 80 हो जाएगा और ये cos 60 plus sin 80 minus sin 80 cancel, plus cos 80 minus cos 80 cancel, sin 60 ऊपर बचा, नीचे cos 60, sin by cos क्या होता है tan 60, which is equals to RHS, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है, समझ आ रही है बात, आंसर क्या आया tan 60 which is equals to RHS, hence proof, ओके स्टूडेंट्स आज के लिए सफिशिएंट है, इन सबको रिवाइज करो, जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो अपनी नोटबुक में कंप्लीट करो, रफ कॉपी में बार बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले फटाफट से लर्न करो, कोशिश करो याद हो जाएंगे, चलो वापस रखते फॉर्मूले, फर्स्ट फॉर्मूला क्या था बोलो, 2 साइन ए कॉस बी, क्या था साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है, सेकेंड फॉर्म में क्या था 2 कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है ये फॉर्मूला था, थर्ड 2 कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है, फोर्थ 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये आपको फॉर्मूले टिप्स पे करने होंगे स्टूडेंट्स, लर्न करने होंगे, बात समझ में आ रही है, हाँ बच्चों क्लियर है, सारे फॉर्मूले अच्छे से बार बार लिख लिख के लर्न करो, 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, 2 cos sin b sin a plus b minus sin a minus b, 2 cos a cos b cos a plus b plus cos a minus b, 2 sin a sin b cos a minus b minus cos a plus b, ठीक है, आज जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं सब नोटबुक में कंप्लीट करो, उनके अच्छे से प्रैक्टिस करो और ये फॉर्मूले टिप्स पे लर्न करो, इसके आगे के क्वेश्चंस मैं कराऊंगा बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, ओके स्टूडेंट्स गुड बाय।